परसों संध्या में सूचना मिली सीतामढ़ी थाना जिला के सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सुमन द्वारा बताया गया, फ़ोन करके बताया गया था हमको कि सर एक बस दरभंगा मोड़ पर लगी हुई है जिसको कुछ असामाजिक तत्व या बस स्टैंड का जो होते हैं अपना चुंगी वसूलने वाले वो उनके द्वारा रोका गया है। निलंबन की कार्रवाई की गई है, विभागीय कार्रवाई एवं फर्दर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की हमने। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टारजन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शराब की तस्करी में बिहार पुलिस के दो दारोगा और एक सिपाही के शामिल होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें से एक सिपाही समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, दो दारोगा भागने में कामयाब रहा। बताते चले कि एक तरफ बिहार सरकार बिहार में शराबबंदी को पूरी तरीके से लागू करने के लिए लगातार कमर कसे हुए है, वहीं शराब माफिया व उनके सहयोगी पुलिस पदाधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठोस इरादे पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। खासकर सीतामढ़ी पुलिस शराब मामले में हमेशा सुर्खियों में रहा है। कभी थाने में रखा शराब को चूहे गटक जाते हैं तो कभी पुलिस पदाधिकारी ही शराब माफियाओं को संरक्षण देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां एक निजी बस से सैकड़ों लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया, जिसमें सीतामढ़ी में स्थापित दो दारोगा व एक कांस्टेबल की संलिप्तता सामने आई है। इस मामले में सीतामढ़ी एसपी मनोज कुमार तिवारी ने मुजफ्फरपुर में पकड़े गए अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप के मामले में सीतामढ़ी में स्थापित दो दारोगा और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर के काटी थाना अध्यक्ष को फोन पर सीतामढ़ी के दारोगा ने सूचना दिया कि दरभंगा मोड़ पर एक बस को कुछ लोग जबरन रोक रखा है। जब वहां काटी थाने के दारोगा पुलिस बल के साथ पहुंचे तो पता चला कि बस में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस में सवार पांच लोगों को हिरासत में लेते हुए साथ ले गए। तफ्तीश में ये बात सामने आई कि शराब से भरे बस का स्कॉर्ट सीतामढ़ी के दो दारोगा और एक कांस्टेबल मुजफ्फरपुर तक लेकर आए हैं। उस तस्करी में सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाने के कई शराब तस्कर भी शामिल थे। अब सीतामढ़ी के नए एसपी मनोज कुमार तिवारी के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। चुनौती यह है कि सीतामढ़ी की पुलिस ही जब शराब की तस्करी में शामिल हो, ऐसे में एसपी ने मामले को काफी गंभीरता से लिया है। अब देखना है कि सीतामढ़ी एसपी इस गंभीर मामले को कैसे निपटाते हैं। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहे। पुपरी न्यूज आपकी आवाज हर पल आपके साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि पुपरी न्यूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। और निष्पक्ष खबरों के लिए पुपरी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें। परसों संध्या में सूचना मिली सीतामढ़ी थाना जिला के सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सुमन द्वारा बताया गया, फ़ोन करके बताया गया था हमको कि सर एक बस दरभंगा मोड़ पर लगी हुई है जिसको कुछ असामाजिक तत्व या बस स्टैंड का जो होते हैं अपना चुंगी वसूलने वाले वो उनके द्वारा रोका गया है, उसको छुड़वा देने के लिए अनुरोध किया गया था कि फोर्स भेज कर छुड़वा दीजिए। तो मैं अपने थाना से पुरानी उमा शंकर सिंह को दरभंगा मोड़ भेजा, तो उमा शंकर सिंह के द्वारा देखा गया कि बस में
170-73 लीटर पेटी, मतलब 1500 लीटर के आसपास विदेशी शराब है। तो उमाकांत के द्वारा मौके पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक सीतामढ़ी का DIU का सिपाही था। तो ये पूरा खेप जो था, अनुसंधान के क्रम में यही बात प्रकाश में आई कि ये पूरा खेप जो था वो नानपुर है सीतामढ़ी में, वहीं के अनिल महतो का है। वो कुख्यात शराब तस्कर है और उसका सहयोगी सिकंदर जो गिरफ्तार हुआ है, इसकी माँ भी शराब कांड में जेल में है और ये भी उस कांड में फरार है। लेकिन ये फरार शराब माफिया के साथ सीतामढ़ी जिला के 2 सब इंस्पेक्टर रामप्रवेश उरांव और ये जितेंद्र सुमन को अपनी गाड़ी पर बैठा करके दरभंगा मोड़ तक लाना कहीं ना कहीं मिली भगत को दर्शाता है। तो हम लोग उस पर भी प्राथमिकी के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। शराब तस्करी में आया और एक सिपाही भी पकड़ा गया है, क्या मामला है सर, इसमें क्या कार्रवाई हुई है सीतामढ़ी पुलिस की तरफ से? सीतामढ़ी पुलिस की तरफ से अनुशासनिक कार्रवाई की गई है, निलंबन की कार्रवाई की गई है, विभागीय कार्रवाई एवं फर्दर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। कौन दरोगा है, क्या नाम है इनका? जो राम आर राव जी हैं और गौतम जितेंद्र सुमन जी हैं। हाँ, जितेंद्र सुमन, आर राव, रामेश्वर राव और DIU के सिपाही। अभी ये लोग फरार हैं या अभी इनके विरुद्ध जैसा जो भी डिटेल्स आता है मुजफ्फरपुर से, अभी हमारे यहाँ से ये फरार हैं, इनकी निलंबन की कार्रवाई की गई। जो भी इस तरह के मामले संलिप्त पाए जाएंगे उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम लोग निरंतर इसमें निगरानी रखे हुए हैं। सर सुबोध कुमार, अपनों के लिए हम चुनते हैं सबसे खास, जहाँ मिले शुद्धता का भरोसा, असल की पहचान। तभी तो भोज भात देते हैं किराना का सारा सामान उचित मूल्य के साथ, आटा हो या मैदा, चोकर, चावल या चूड़ा, मिलेगा सब यहाँ, वो भी पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ। घर की जरूरत का जो भी सामान बिना संकोच चले आओ भोज भात के पास, बाजार समिति गेट के सामने ऊपरी। कॉल कीजिए 870-980-7955। यहाँ भोज भात का सारा सामान डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है।